हेलो फ्रेंड्स मैं हूं एडवोकेट नितिश बा आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेक स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 482 एटी टू यानी इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का इस्तेमाल आपको कब करना है और किस किस परपज के लिए जो है फोर एटी का जो इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फोर एटी सिर्फ क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल कोर्ट्स में जितने भी केसेस चल रहे हैं वो आप कर सकते हैं और इसकी जो एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएगी जो भी आपकी स्टेट है कोई भी स्टेट है या अगर दिल्ली की स्टेट है तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी हरियाणा है तो पंजाब है ना हरियाणा हाईकोर्ट में जाएगी या फिर अगर आपके राजस्थान है तो राजस्थान हाई कोर्ट में जो है एप्लीकेशन 482 एटी की जा सकती है अब देखिए 482 एटी की जो एप्लीकेशन है वो किस किस जो है सरकम में आप जो है यूज़ कर सकते किस किस वे में जो है फोर एटी टू सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज़ जो आप फोर एटी टू का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका केस जो है बहुत धीरे चल रहा है अगर आपका केस जो है आपको स्पीडी ट्रायल चाहिए स्पीडी जस्टिस चाहिए तो फोर एटी टू का इस्तेमाल आप ऑनेबल हाई कोर्ट में कर सकते हैं और एक डायरेक्शन ले सकते हैं ट्रायल कोर्ट के लिए कि जो ट्रायल है आपका वो जो है दुरुस्त चले या स्पीड में चले या डे टू डे हयरिंग हो उसमें इसके लिए भी आप डायरेक्शन जो है फोर एटी टू सी की ले सकते हैं ऑनेबल हाई कोर्ट से अब क्या है कि कोविड के कारण जो है बहुत सारे कोर्ट्स अभी बहुत स्लो हो चुके हैं तो अगर आपको अपना स्पीडी ट्रायल करना है तो आप जो है ऑनेबल हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते फोर 482 टू में और ट्राई कर सकते हैं अपना जो है ट्रायल uh, कोर्ट का मामला है वो अपना जो है स्पीडी ट्रायल में ले जा सकते हैं तो ये एक पहली जो है एप्लीकेशन जो मैं आपको बताया क्या इस्तेमाल आप जो है फोर एटी टू सी में कर सकते हैं दूसरा इस्तेमाल आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको जो है सपोज़ कोई बड़ा केस है जिसमें जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जैसे आपको जो है सी से जाँच करवानी है आपको स्टेट जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उस पर ट्रस्ट नहीं है या फिर कुछ जो है बायस हो सकती है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्योंकि उस उस केस में काफ़ी पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं अगर आपको सीबीआई को रेफ़र करना है केस या सेंट्रल एजेंसी को इन्वॉल्व करना है या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आपको चेंज करनी है तो तब भी आप जो है फोर एटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि अपनी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को चेंज भी करा सकते हैं तीसरा जो है इस्तेमाल फोर एटी टू सी आर पी सी का क्वाशिंग में हो सकता है या आपकी क्वाशिंग कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर हो या फिर आपकी एक क्वाशिंग जो है ट्रायल को चार्जशीट की क्वाशिंग हो तब भी आप जो है फोर एटी टू सी आर पी सी जो है मेरिट में जो क्वाशिंग होती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ में भी जो क्वाशिंग होती है उसके लिए भी आप जो है फोर एटी टू सी आर पी सी का इस्तेमाल कर सकते हो तो ये मैंने आपको कुछ जो है आपको बताया है कि फोर एटी टू का इस्तेमाल आपको कब कब करना चाहिए कैसे हो सकता है चौथी चीज़ ये भी हो सकती है कि ट्रायल कोर्ट में आपको एविडेंस के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही हो या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं अगर ट्रायल कोर्ट में अगर आपकी जो है सपोज़ एलओसी ओ इशू हो गया है या फिर आपका जो है ट्रायल uh, कोर्ट में जो है बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि जज ज़, जजेस नहीं आ रहे या बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं कि आपका जो केस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव uh, रीजन की वजह से जो है अटका हुआ है या फाइल नहीं ट्रेस हो पा रही है तब भी आप फोर एटी टू सी आर पी सी का उपयोग करके डायरेक्शन जो है ऑनेबल हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की डायरेक्शन आप ले सकते हो तो ये मैंने कुछ एप्लीकेशन बता दी हैं आपको बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ये, तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अगर आपको कोई इशू है तो सोल्यूशन मैं ट्राई करूँगा देने का थैंक यू वेरी मच